नमस्कार ज्योत्सना बहन। नमस्ते। आप कुछ व्हील पे पॉट बना रही है लगता है। हाँ, मैं चाक पे एक वाज बना रही हूँ। ये कौन सा मटेरियल से बना रहे हैं आप? ये जो मिट्टी मैं इस्तेमाल करती हूँ वो उसे स्टोनवेयर कहा जाता है। और कुम्हार जो बनाते हैं वो भी व्हील पर ही बनाते हैं। वो कुछ अलग मटेरियल है, वो रेड क्ले शायद बोलते हैं उसको भी। वो भी एक तरीके की मिट्टी ही है, मगर वो ज़रा कम ताप पे पकने वाली है। ये जो स्टोनवेयर मिट्टी मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ज़रा ज़्यादा ताप पे पकती है। तो यानी कि आप ये जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो भी ताप के अंतर से उसी तरीका से है कि जो रेड क्ले से पॉटर्स बना। तरीके वही रहेंगे, उसमें सिर्फ मिट्टी का फर्क रहेगा और अपनी अपनी पसंद का भी एक सवाल है। मतलब कई पॉटर्स पसंद करते हैं कम ताप वाले मिट्टी इस्तेमाल करके, कुछ उसकी जो असर उठती है वो पसंद करते हैं, या अपने पास जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से पसंद करते हैं। बाला, पॉटरी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हमने देखा अभी चाक पे करते हुए, और उसी तरह से बिना चाक के भी कई तरीके हैं जिसे हम हैंडबिल पॉटरी कहेंगे। एक तरीका है वो कॉइल वर्क का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्णा बना रही है कॉइल्स, और एक के ऊपर एक चढ़ा के जो आकार लेना है ले सकते हैं। मैंने ये जो दूसरे तरीके की बात कर रही थी कि तीसरे तरीके की, असल में इसको हम स्लैब कहेंगे, जो मिट्टी से ही बनाया हुआ एक आप चपाती कहें या रोटला कहें जो भी, मगर उसे भी आप शेप दे सकते हैं, पॉट बना सकते हैं। और क्यों, मिट्टी इतनी नरम है कि आप उसके ऊपर जो प्रेस करेंगे वो इम्प्रेशन ले सकती है। तो इसी समय पर कुछ डिज़ाइन अगर सोची है तो आप उसको प्रेस करके उसकी डिज़ाइन उठा सकते हैं। ब्लॉक, टेक्सटाइल ब्लॉक ही जो मैंने इस्तेमाल किया है, और उसका इस्तेमाल डिज़ाइनिंग में कई पॉटर्स अभी करते हैं। और हैंडमेड पॉटरी का दूसरा एक फ़ायदा ये है कि आप अगर चाक ना भी हो तो कोई भी कहीं भी कोने में बैठ के कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले दिखाया कि मिट्टी को हमने चपाती करके बनाया और फिर उसको अलग तरह से आकार दिया, और तो ये अपने ढंग से एक आकार दिया है, और ये भी हाथ से दबा दबा के किया और अपने ढंग से जो स्टूडेंट ने किया वो डिज़ाइन किए। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक चमकता हुआ ऊपर सतह चढ़ाया हुआ है, उसे हम ग्लेज कहते हैं, तो वो उसके ऊपर ग्लेज चढ़ाया हुआ है, उसके हिसाब से चमकता है। और ये सभी भी ऐसे ही ग्लेज बोलते हैं ना? हाँ, ये भी सब ग्लेज हैं। तो फिर इसके अलग अलग तरीका आप हमें बता सकते हैं? हाँ, ऐसे तो ये एक सब्जेक्ट पूरा बहुत लंबा चौड़ा है, मगर फिर भी अगर छोटा सा करके बताऊं तो एक तौर से देखें तो ये कांच ही है, एक तरह का जो ग्लेस है वो कांच है, मगर वो कांच हमें बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो केमिकल्स के उससे मिलावट से मिट्टी के ऊपर ये चढ़ सके। नहीं तो कांच का पाउडर अगर करके हम सीधा सीधा लगाएँ तो वो रहेगा नहीं मिट्टी पर। देख रहे हैं इसका रंग ब्लू है, तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड से आया है। बेसिक मटेरियल जो हम झोंक रहे थे वो हुए जो ग्लास फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, और रंग मेटलिक ऑक्साइड से आते हैं। और ये तो शेप में भी अंतर है और कलर्स में भी अंतर है। अच्छा, इसको जब ये आकार दे रही थी चाक पे, तभी मैंने सोचा कि उसको मोड़ के कुछ मछली के आकार में की जैसे आकार हाँ, में है, तो उसमें तभी के तभी हमने डिज़ाइन करके किया है।
और उसके ऊपर जो ब्राउनिश रंग देख रहे हैं वो आयरन ऑक्साइड से है। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा था कि डिज़ाइनिंग के तरीके बहुत हैं, तो ये ग्लेज हमने ऑयलिंग बॉटल में भर के उसी से डिज़ाइन किया है, जैसे आप केक पे आइसिंग करते हैं या मेहंदी रखते हैं हाथ पे, उसी तरह से ग्लेज का इस्तेमाल भी हो सकता है डिज़ाइन करने के लिए। इसको हमने ग्लेज से ही डिज़ाइन बनाया था, मगर उसमें लाइन कंटिन्यूस थी, इसमें लाइन नहीं रख के डॉट से डिज़ाइन बनाया है, मगर डॉट से एक आकार बनाया, अलग अलग रंग भर भर के डिज़ाइन किए हैं। अच्छा, एक और सवाल जोस्ना बहन, हम सुनते हैं कि बार बार कलाकार परिसरों से भी लेके प्रेरित होते हैं, उस वो ही आकारों को लेके भी काम करते हैं, तो ये आपके बारे में भी सच है? हाँ ज़रूर, वाज है और उसी में मिट्टी से बनाए हुए फूल का गुच्छे रखे हैं, तो एक बार मैंने काम करते करते सोचा कि क्यों ना फूल भी मिट्टी के ही बनाए जाए, और उसी तरह से नेचर से आप लिविंग एलिमेंट्स भी देख के, बटरफ्लाई हैं या कैट्स, पर ये कैट्स तो पॉट्स नहीं कह सकते हैं, कैट्स को हम पॉट नहीं कह सकते हैं, मेरा बैकग्राउंड स्कल्पचर कर रहा है तो मैं कई बार मिट्टी के स्कल्पचर्स भी बनाती हूँ, तो जैसे आपने देखा पहले स्लैब को, तो पूरा तरीका स्लैब, मिट्टी को स्लैब के रूप में बना के फिर आकार दिया है। तो इसको कोई पॉट के साथ भी संबंध जोड़ के आकार में देख सकते हैं? हाँ ज़रूर, आप यहाँ देखेंगे कुछ आकार हैं, बिलियाँ हैं, मगर इसको हमने जार बना दिया है, उसका जैसे ये हेड है, उसका सर है, वो निकल सकता है और इसको आप कंटेनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसी तरह से यहाँ ये बर्ड का फॉर्म है, उसका भी के सर निकल सकता है और आप वो बॉक्से की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लगता है? ये भी हेड है, ये कॉक है, उसका ऊपर का हिस्सा निकल सकता है। ज्योत्सना बहन, पेंटिंग में, स्कल्पचर में ये सुनने को मिलता है, देखते हैं हम कि अब्स्ट्रैक्शन एक आर्ट है जो जिसमें आकृति को कोई आकार में देख नहीं सकते हैं। मैं नेचर से तो सोर्स मेरा इंस्पिरेशन का है ही, और उसको सिंप्लीफिकेशन कर देती हूँ मैं, जैसे ये मेरे लिए पेड़ है अगर, और ये ही एक आकार बन जाता है हिल का भी जी। हाँ, और वैसे ये भी एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मगर ट्री से लिया है, एब्स्ट्रैक्ट अगर कहें तो एब्स्ट्रैक्ट माना जा सकता है जी, क्योंकि इसमें ऐसे मनुष्य की फेस का भी आकार दिखता है। हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है। हाँ, तो वो अलग अलग देखने का तरीका अलग अलग लोगों का हो सकता है, मगर मैंने कोशिश की है पेड़ बनाने की जी। ये जब मिट्टी गीली होती है तब दे सकते हैं, ये चाक पे मैंने बॉटल आकार दिया, फिर मुझे उसको कुछ अलग तौर से डिज़ाइन करना का इच्छा हुई, तो तभी अभी, अभी हम जो आप देखे थे चाक पे जब आप कर रहे थे उसी टाइम पे आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जी। जब मिट्टी गीली होती है और चाक पे आकार घूमता है तब आप कई चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप एकदम जो कर रहे हैं इससे पता चल रहा है कि ये एक प्लेफुल मीडियम है। वो तो है ही, क्योंकि मिट्टी का वही गुण है जो हम आकार उस चाहें वो उसको दे सकते हैं जी। और ऐसा लगता है जैसे उसको उसे खेलते रहें, और कई चीज़ें पॉसिबल हैं उसमें करने की।
तो अभी इसके ऊपर जो ग्लेजेस करते हैं, जो डिजाइनिंग का कलरिंग का, वो सूखने के बाद करते हैं? नहीं, हर एक स्टेज पे आप डिजाइन कर सकते हैं, रंग दे सकते हैं जी। जैसे मेटलिक ऑक्साइड्स की बात की, उससे रंग हो सकता है। वही ऑक्साइड हम मिट्टी में मिला के गोल करके उसके ऊपर ब्रश वर्क कर सकते हैं जब गीला हो तब। फिर उससे थोड़ा सा सूखे तब भी हम कुछ कर सकते हैं, कार्विंग कर सकते हैं। जैसे लकड़ी काटते हैं उसी तरह से कार्विंग भी कर सकते हैं। और आपने वहाँ पर ग्लेज से लाइन देखी, वैसे ही मिट्टी भर के भी आप जैसे केक पे आइसिंग करते हैं, ये स्टेज पे आप कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के तरीके तो बहुत सारे हैं जी, और हर एक स्टेज पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो सारे रंग सूखने के बाद फिर पकाते हैं इसको? हाँ, उसमें पकाने के लिए दो बार पॉट जाता है भट्टी में। एक बार जैसे ये हो गया एकदम सूखने के बाद हम पकाते हैं करीब 800 से 850 डिग्री तक जी। जिससे आप टेराकोटा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो एक बार वो पका, वो रेड क्ले भी कहा जाता है, स्टोनवेयर क्ले को भी। एक बार पकाई हुई मिट्टी, उसका अगर मीनिंग निकालें तो यही है कि पकाई हुई मिट्टी जी, टेराकोटा। और वो जब निकल आता है पॉट, उसके बाद कांच का प्रवाही बना के उसके ऊपर जो ग्लेज कहा जाता है उसको, वो फिर से भट्टी में जाता है जी। और कैसा आपने ग्लेज बनाया है, कौन से ताप पे वो पिघलेगा, उसके हिसाब से हम टेम्परेचर सेट करते हैं जी। और वो पकता है। तो हर स्टेज में कोई ना कोई मुश्किलें भी तो होंगे, वो भी आप हम थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, बहुत सारी मुश्किलियाँ तो हैं। सबसे पहले तो कई बार ग्लेज के मटेरियल जो यहाँ मिलते हैं वो एकदम स्टैंडर्ड मटेरियल ना होने से, हमने पहले ग्लेज बनाया हुआ हो जो टेस्टेड हो, वो भी कई बार निकम्मा हो जाता है जी। तो वो एक मुश्किल है। कई बार इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है अचानक से, भट्टी चालू है तो फिर से वो काम रुक जाता है। और कई बार हमने टेस्ट किया हुआ ग्लेज भी ख़राब निकल सकता है, कई बार कारण भी पता नहीं चल सकता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो प्लेजेंट सरप्राइज भी मिलते हैं, अनप्लेजेंट सरप्राइजेस भी मिलते हैं जी। और ख़ास तो ये सब विषय ऐसा है ना कि उसमें इक्विपमेंट पे बहुत आधार रखना पड़ता है हमें, तो एक्सपेंसिव है ये हो। तो इतने सारे मुश्किलों के साथ आपको क्या खुशी मिलती है इसमें? मुझे लगता है वही एक चैलेंजिंग हिस्सा है जो खुशी देता है, कि जब भट्टी खोलते हैं तो जैसे कुछ खजाना मिल गया ऐसा लगता है। तो जोस्ना बहन, एक बात मैंने सुनी थी कि पॉट को दिखाते हैं पॉटर्स, तो ये पॉट बिल्ली कहते हैं, तो ये तो एक मनुष्य के आकारों में से एक शब्द है, तो इसको कैसे समझना चाहिए? हम जब पॉटर्स या पॉटरी के बारे में स्टूडेंट्स को जब समझाते हैं तो हमारी एक अपनी भाषा है अलग। जैसे ये आप पॉट देख रहे हैं, तो ये हिस्सा हुआ उसका बेली, और उसको ये हम कहेंगे शोल्डर, ये हुआ नेक, ये हुआ लिप या रिम। तो कभी कभी पॉट बनाते समय हम जब समझाते हैं स्टूडेंट को, तब बताते हैं कि ये लिप आप उसको ऐसे करिए या उसको थोड़ा सा चौड़ा करिए। तो बार बार उसको समझाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल करें तो उसके लिए आसान हो जाता है। जिसमें बन ये तो कच्चा पॉट है, फिर कच्चा पॉट के पक्का पॉट के बीच में कैसे अंतर देख सकते हैं? एक तो जैसे कच्चा पॉट एक रंग ही अलग होगा और उसकी आवाज़ शार्प नहीं होगी, और पक्का पॉट आवाज़ एकदम शार्प होगी उसकी, उसका ही ये निशानी है, उसकी निशानी है। जैसे आप कई बार मटका लेने जाते होंगे बाज़ार में, तो आप क्या देखते हैं, उसकी आवाज़ देख के चुनेंगे। अगर अच्छा पॉट पका है तो उसकी आवाज़ एकदम शार्प होगी। और इसके ये पकाने के लिए कौन से तरीके से इस्तेमाल करते हैं? पकाने के कई तरीके हैं। एक तो जिसको जिसमें पकाते हैं उसको भट्टियाँ बोलते हैं। अपने जो ट्रेडिशनल पॉटर्स हैं वो काउडंग केक या भूसा, लकड़ी का भूसा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कई तरीके हैं। एक तो है हमारी ये किल्न, इलेक्ट्रिक, उसको हम किल्न बोलेंगे, इलेक्ट्रिक भट्टियाँ। आप देखेंगे कि अंदर
इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हैं, वो कैंथल वायर्स होते हैं जी, और जैसे ही चालू करते हैं तो पूरी भट्टी गर्म होती है। जब तक पॉट या मिट्टी पके नहीं तब तक उसका यूज़ आप इस्तेमाल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि वो मिट्टी फिर से पानी में पिघल जाएगी जी। और जैसे ही कुछ हद तक पकाते हैं, मतलब वो मिट्टी के ऊपर आधार रहता है कि कौन सी मिट्टी, तो लाल मिट्टी जो अभी देख रहे हैं आप, उसको कम से कम 850 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 850 डिग्री टेम्परेचर, और जब वो उसके गुण बदल देगी जी, और पानी में डालने से वो पिघलेगी नहीं। दूसरी भट्टी है, ये गैस से चलेगी, अब हमने अभी तो नई बनवाई है, इसमें हम पॉट्स रखेंगे जो पकने हैं, और उसमें जो फर्स्ट फायरिंग है, बिस्किट फायरिंग बोलते हैं उसको जी, वो भी होगा और ग्लेज फायरिंग भी हो सकती। ये भी कोई भट्टी है क्या मैडम? हाँ, ये भी हमारी एक दूसरी भट्टी है जिससे हम लकड़ी से पकाते हैं, और इसमें काफ़ी तापमान आ सकता है, उसमें 1300 डिग्री तक हम लेते हैं, और वो लकड़ी से ताप आता है। और 1300 तक रखने वाला कौन सा पॉट्स है जो 800 से अलग जो होते हैं? जो हमने पहले बताया बात की स्टोनवेयर की, वो स्टोनवेयर 1300 तक पकाते हैं। अच्छा। उसमें मिट्टी ही अलग किस्म की है जो ताप इतना सह लेती है। तो इसको कितने दिन पकाना है या तुरंत मिल जाता है, निकालना पड़ती है? पकाना पड़ता है करीब 10 से 12 घंटे तक जी, और जब तक ताप नहीं मिले तब तक तो पकता रहता है। अच्छा। और उसके बाद 2 दिन तक हम ठंडा करते हैं भट्टी, उसके बाद खोलते हैं, तुरंत खोलने से टूट जाती है। तो इसका मतलब हुआ जो कच्चा पॉट को अंदर रख के 3-4 दिन के बाद ही आप देख सकते हैं? हाँ, 3-4 दिन के बाद ही देख सकते हैं जी। और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जल्दी से हमको रिजल्ट देखने को मिले? ऐसा है जो आपको आज ही देखने मिलेगा, बहुत फॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स आज राकू फायरिंग करते हैं, जो फायरिंग का तरीका ऐसा है कि आप पॉट रखिए और तुरंत निकालिए और रिजल्ट देख लीजिए, वो तरीका है जापानीज मेथड, उसका नाम है राकू, और हाँ, उसकी तो लगती नहीं है नाम, हाँ नाम उसका है राकू, और अभी तो पूरे देश में, हमारे देश में और पूरे दुनिया में बहुत पॉपुलर हो चुकी है ये मेथड, क्योंकि एक एक्साइटमेंट है, वो तुरंत आप रिजल्ट देख सकते हैं क्या किया, सिर्फ इतना ही देखना पड़ता है उसमें कि मिट्टी उसकी ऐसी होनी चाहिए जो इतना शॉक सह सके जी। तो इसमें कलर्स में भी लगाने के टाइम पे भी कुछ अंतर होता है? आपको जो कलर चाहिए उसके हिसाब से ग्लेज बनाएं, और अंतर यही कि उस जो ऑक्साइड लगाते हैं उसका रंग जिसमें ये भट्टी में आए उसके बदले दूसरे तरह से आएगा। तो वो राकू फायरिंग वाला भट्टी इससे कुछ अलग होता है? हाँ, वो भट्टी आप अभी देख सकेंगे, ये दूसरी भट्टी जो आप हम बात कर रहे थे अभी, उसको राकू की भट्टी बोलते हैं। ये टेम्परेचर जानने के लिए उसको पायरोमेट्रिक कोन्स कहते हैं, उसके ऊपर नंबर होते हैं, जो टेम्परेचर हमें चाहिए उसके हिसाब से नंबर चुन के अंदर रखेंगे, तो जैसे ही अंदर टेम्परेचर आएगा तो ये कोन बेंड हो जाएगा, पता चल जाता है कि ये टेम्परेचर अब आ गया। ब्लैक और वाइट कलर से ही चुने हैं इसमें कलर लाने के लिए? नहीं, इसमें बहुत सारे कलर्स के ग्लेजेस हैं, मगर ये सब मेटलिक ऑक्साइड्स कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अभी आप देख नहीं पाएंगे, जब ये मेटलिक ऑक्साइड्स मेल्ट करेंगे तब भी कलर दिखेंगे आपको, मगर ये जो वाइटिश दिखता है वो ब्लू होने वाला है असल में, माने फर्नेस से निकलने के बाद, बाहर निकलने के बाद जब पिघल जाएगा, कांच जैसा हो जाएगा तब। तो ये अब हम रख रहे हैं अंदर, खतरनाक
Just order. Okay. 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds is too long. Yeah, ma'am. Now you can do it. Okay. Dalo, Yeah. Cover it. Then, gila kapda se. Baad mein kisse hai ye? Huh? Gila kapda se. Gila. So what? Same in this? Just order, dal de na. Okay. No problem. Put in here. Wash your hands. Okay, what is this? Look at the blue flame, okay? This is luster. Luster. Okay. But it's not bubble luster. Yes, so, it's long enough, no? Huh? Well, Gopi, seven bowl. Wow. Is it? Yeah. Wow. Hotel one. Hmm? How cold is it? Abhi, ज्योत्सना बहन आपके पॉटरी तो इतने अच्छे हैं, इनमें से सबसे बढ़िया रूप तो मुझे ये लगा है, पर आपको सबसे बढ़िया फॉर्म कौन सा पसंद है? मेरा फेवरेट फॉर्म है फुल ब्लोन राउंड शेप्स, और मैं आप देखेंगे कई बार वो आकार रिपीट करती रहती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे वाजेज आप देखेंगे कि यहाँ ये देखिए मगर पसंद के बहुत आकार भी हैं, ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि मैं मुझे यही पसंद है। जैसे सिलिंड्रिकल फॉर्म भी मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली देखें तो सिंपल शेप्स, सिंपल फॉर्म मुझे पसंद है, और फिर उसके ऊपर कुछ अलग अलग तौर से उसको थोड़ा सा मोड़ना, या उसके ऊपर डिज़ाइन से अलग कुछ सिलेंडर से हटके कुछ करना अच्छा लगता है। जी, आप एक टीचर हैं, आप इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, पॉटरी भी बनाते हैं, आपके और भी कोई हॉबीज़ देखा जाए तो यही मेरी हॉबी है, और यही मेरा मेन विषय भी है, कैरियर भी है। जी, और बस पॉटरी के बारे में घर भी जाती हूँ तो मौका मिलता है तो पॉटरी की किताब खोल के बैठ जाती हूँ। तो आप इसके साथ एक हाउसवाइफ भी हैं, एक माँ भी है, टीचर, पॉटर, इतने सारे आप अपने रूप को कैसे, कहाँ कहाँ से इसे संभाल सकते हैं? एक तो मुझे लगता है मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रही हूँ, मेरे हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव हैं और इनक्रेज करते रहते हैं हमेशा कि आप घर से बाहर जाके आपका जो विषय है उसमें आगे बढ़िए। वही कह सकती हूँ मैं कि इतने कोऑपरेशन की वजह से ही ये कर सकती हूँ मैं। ज्योति भट्ट साहब भी तो एक अच्छे कलाकार हैं, आपके हस्बैंड, वो आप दोनों मिलके भी कुछ काम किए होंगे? कई बार, और उनको भी कई बार उनको मजाक में आइडिया मैन कहते हैं, तो उनको बार बार मैं जब काम करती हूँ तो आइडियाज़ देने का बहुत मज़ा आता है, और डिज़ाइनिंग के लिए भी कई बार सलाह देते हैं। तो मैंने एक बार कहा कि क्यों ना मैं आकार करूं और डिज़ाइन आप करिए, तो आप ये देखेंगे कि डिज़ाइन उन्होंने किया है, ये आकार मैंने करके दिया था। जी, बहुत बढ़िया। आपके और भी कोई एग्जीबिशन आने वाले कालों में होने वाला है?
एक अभी दिल्ली में होने वाला है आर्ट हेरिटेज में, जो फिर से साथ में कर रहे हैं, ज्योति का ग्राफिक ग्राफिक का होगा, फोटोग्राफ्स होगा और मेरा पॉटरी। जी बहुत बढ़िया। और हम आपको JTV की तरफ से, हमारे सारे प्रेक्षकों की तरफ से आपको शुभाभिनंदन देते हैं आपके एग्जीबिशन के लिए, आपके आने वाले पॉटरी के। बहुत सारे कालों में आप और भी अच्छी अच्छी पॉटरी बनाएं और हमें दिखाएं। ज़रूर।